नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों, मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सिन्हा जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। भविष्य में आप लोगों को नई नई जानकारी जैसे CSC से रिलेटेड जानकारी मिलेगी और मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आप सभी का हेल्प करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की जानकारी मिले। दोस्तों, अभी आप लोगों ने प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना का आवेदन किया होगा आपके गांव में, पंचायत में, नगर में। तो आवेदन किस स्थिति में है, उसका स्टेटस कैसे पता होगा कि मेरा रिजेक्ट हुआ या पास हुआ, कहां तक पहुंचा आवेदन, क्या हुआ है आवेदन, तो ये सारा चीज़ का जानकारी आपको आवेदन की, देखिए यहां पे आवेदन की स्थिति और आवेदन प्रिंट। तो ये तो आवेदन प्रिंट सबको, सभी दोस्तों को पता ही है कि आवेदन प्रिंट कहां से होता है। कभी कभी इंटरनेट स्लो के कारण जब आप आवेदन करते हैं तो उस समय प्रिंट नहीं हो पाता है और नेटवर्क स्लो के कारण आपका प्रिंट जो है नहीं हो पाता है, वो कट जाता है। तो हमें अभी आवेदन की स्थिति देखना है कि मैं जो आवेदन किया हूँ प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना में, तो मेरा आवेदन की स्थिति क्या है। तो आप क्या करें, ये प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना में क्लिक कर दें। ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करें, इंटर एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन वाला किसान वाला, यहाँ पे इंटर कर दें 2101251225445। ये है आवेदक का एप्लीकेंट नंबर, सर्च कर लेते हैं। चलो है दोस्तों, थोड़ा इंटरनेट इसलिए दिक्कत हो रही है, और शायद मेरा एप्लीकेंट नंबर गलत हो गए हैं, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ये मेरा नया वीडियो बन रहा है इसलिए कुछ ये हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी। तो ये 210112 है, 51122545। ये कुछ बता नहीं रहा है, 210 ठीक है दोस्तों। मेरा अगला वीडियो भी आपके साथ अच्छा ही रहेगा, कोशिश करूँगा।